गुरुजी, आज हम लोगों को शिक्षा देने के लिए दो अपरिचित मुनि आए। लगता है ये दोनों कोई दानव हैं। आश्रम में जाकर सबको बताना होगा। इस पाखंडी ने लक्ष्मण और वीर को बंधक बनाकर क्यों रखा था और इसके आश्रम में इस प्रकार आने का कारण क्या होगा? हमें शीघ्र ही पता लगाना होगा। शीघ्र ही। भैया उठिए। भैया गुरुजी का आदेश है कि हम नदी के रास्ते उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करें। किंतु हमारे पास तो नाव ही नहीं है। उसकी चिंता मत करो, मणिपुर में बहुत सारी नदियां हैं और वहाँ पर बच्चों को भी नाव बनाना सिखाया जाता है। मैं तुम लोगों को एक बढ़िया सी नाव बना कर दूंगा। हाँ, हमें भी नाव बनाना शुरू कर देना चाहिए। इतनी रात को? हाँ, हम लोग अभी नाव बनाने की तैयारी करते हैं। गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया है और हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। न जाने वो लोग किस हाल में होंगे। सुबह से बैठे हैं भैया, अभय तक एको छोटी सी मछली भी नहीं पकड़ पाए। अरे भैया, बड़ी मछली मिली है। संभाल के। लागत है हमका बोले वाला मछली मिला है। हमका एका जाने नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं जाने देना चाहिए। लगता है इस मछली को किसी ने पकड़ लिया है। हमें मदद के लिए पुकारना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे लगता है ये कोई आदिवासी है। क्या तुमने सुना नहीं कि कुछ आदिवासी मानवों को खा जाते हैं? किंतु कुछ तो करना ही होगा। मुझे कुछ सोचने दो। तुम जब तक सोचोगे तब तक तो हम उनका भोजन बन जाएंगे। पकड़ा ही नहीं।
चलो। अरे पूरे हैं वो लोग, पकड़ो। धल्ले धल्ले। हमने इस गुफा में आकर सही नहीं किया। डरो मत, वो देख रहे हो? अभी नहीं, मधुमक्खियों का क्रोध शांत होने दो, तब तक हमें यही प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा, किंतु आज तुम्हारे कारण हमारे प्राण बचे। तुम अत्यंत बुद्धिमान एवं बहादुर हो। वो तो मुझे पता है, मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें किसी भी स्थिति में डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा दिमाग लोमड़ी जैसा शातिर है और वीरता में तो मेरे जैसा कोई नहीं, और तुम्हें पता है। हाँ ठीक है ठीक है, अब बस भी करो, अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो, समझे? जैसा तुम कहो। वैसे अब हम यहाँ से निकल सकते हैं? नहीं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, आज रात यही बितानी पड़ेगी। हाँ, सही कह रहे हो। क्या सोच रहे हो मित्र? मुझे अपने भाइयों की बहुत याद आ रही है, सोच रहा हूँ वो हमें लेकर कितने चिंतित होंगे। धन्यवाद दोस्त, तुम्हारे कारण ये संभव हुआ। मित्र, मैं प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारे किसी काम आया। अब हमें बिना देर किए तत्काल निकलना चाहिए। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। लक्ष्मण भैया, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है। वीर, उठो वीर, वीर। दोस्त, मुझे क्षमा कर देना। क्या तुम लड़की हो? हाँ। इतना बड़ा छल क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? मुझे क्षमा कर दो, मैं राजा जनक की बेटी उर्मिला हूँ। मैंने सुना था कि धनुर्विद्या में गुरु वशिष्ठ जैसे कोई नहीं। मैं कच्छ में अपने मामा के घर आई थी और वहीं से मैं यहाँ भागकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आ गई। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, ना ही तुमसे कभी बात करूंगा। जाओ यहाँ से। देखो, अब रोना धोना बंद करो, मुझसे लड़कियों का रोना देखा नहीं जाता। तुम मेरे साथ चल सकती हो, अब चलो यहाँ से। आग जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढते हैं, वैसे भी ठंडी बहुत बढ़ रही है। कितना आनंद आ रहा है, मैं पहली बार किसी नाव में बैठा हूँ। किंतु हम इस प्रकार कितने दिन तक चलते रहेंगे? उसकी चिंता मत करो, गुरु वशिष्ठ अवश्य हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। देखो लक्ष्मण, कितने सुंदर पक्षी। ऐसा लगता है जैसे ये हमें अपनी पीठ पर बैठने के लिए कह रहे हैं। बालको, कानन वन में तुम्हारा स्वागत है।
जी आप कौन? मैं नरसिंह, गुरु वशिष्ठ का मित्र हूँ। मैंने ही उस विशालकाय मछली को तुम्हें लेने भेजा था। आपने? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? धीरे धीरे सब बता दूंगा। अगर ये तूफान और देर रहा तो हमारी नाव टूट जाएगी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। पहले मैं राम की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो इस योग्य हैं कि मैं उन्हें अपनी शक्तियाँ और वो तलवार दे सकूं। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैंने गुरु वशिष्ठ के आश्रम एवं वन का हर कोना ढूंढ लिया किंतु वो तलवार कहीं नहीं मिली। टून्स देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।